ग्रीन सोइल में जो आज का टॉपिक है वो न्यू शॉपिंग के रिगार्डिंग है। तो मैंने सब प्लांट फिर से रामदेव जी की नर्सरी से ख़रीदे हैं। तो ये दो गुलदावदी हैं, इनका कलर तो नहीं पता कि कौन सा होगा कलर, और इस पर भी इंसेक्ट का अटैक भी हो रखा है। पर ये दो मेरे को सिर्फ ये 20 रुपये की एक पड़ी, यानी 40 रुपये की ये दोनों गुलदावदी मुझे पड़ी हैं। उसके बाद ये के रोज़ हैं, ये कलर इसका ये रहा। तो ये रोज़ वहाँ पर रोज़ है ना, और भी अच्छे अच्छे थे, पर दिक्कत ये थी कि वो पॉट के साथ मिल रहे थे, तो पॉट के साथ उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जा रही थी। 100 रुपये का दे रहे थे पॉट के साथ, और वैसे ये पॉली बैग में सिर्फ 50 रुपये का था। तो मैंने सिर्फ, मुझे ये कलर ठीक लगा, वैसे इससे अच्छे अच्छे कलर भी थे, पर पॉट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है, तो मैंने पॉट नहीं लिया। फिर एक ये जूही का है, जूही मेरे पास एक और है जो पिंक जूही है, मेरे पास वाइट जूही नहीं थी, तो मेरे को ये वाइट जूही का प्लांट मिला है। ये भी मुझे वहाँ पर सिर्फ 40 रुपये का मिला है। ये देखिए, इसमें काफ़ी कलियाँ भी आ रही हैं, इसमें कल परसों एक फ्लावर भी खिल रहा था, काफ़ी गिर गया ये काफ़ी। इसमें मुझे वैरायटी नहीं मिली, मतलब चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि ये सिर्फ ये 5 या 6 रखे थे, तो मेरे को जो सही लगा मैंने उसमें से एक ये ले लिया। अगला जो प्लांट है वो एप्पल का है, एप्पल का प्लांट था मेरे पास ना, पर इस बार मैं पिंचिंग कर रहा था, तो जब उसमें तो पिंचिंग का मुझे लगता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण शायद उस पर इफेक्ट पड़ा और वो मतलब मर गया। तो इसमें ये ग्राफ्टेड एप्पल का प्लांट, इसमें दो ग्राफ्टेड पोर्शन है, एक केरा और एक यहाँ पर है इसका ग्राफ्टेड पोर्शन, एक केरा और एक केरा, दो ग्राफ्टेड पोर्शन है। पर प्लांट बहुत हेल्दी है, अभी तो ये लीफ गिराएगा, क्योंकि इसमें फरवरी जनवरी में फ्लावरिंग होती है, तो उसके बाद ये फ्रूट बनने लगता है, पर ये अभी हेल्दी प्लांट है काफ़ी ज़्यादा। तो एक मैंने ये एप्पल का प्लांट लिया है। अगले दोनों प्लांट मेरे ये रुद्राक्ष के हैं, मेरे पास रुद्राक्ष का एक मुखी भी है, पर ये जो असली रुद्राक्ष होता है यही वाला होता है, क्योंकि एक मुखी वाले को कह नहीं सकते कि वो निकलेगा नहीं, जंगली भी हो सकता है शायद, यहाँ पर जंगली रुद्राक्ष भी होते हैं हर दौर में। तो मैंने वहाँ से क्या करा ना, वहाँ कम से कम 2500 या 3000 रुद्राक्ष के पेड़ थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे अपनी पसंद का लेने दो, तो मैं उनकी क्यारी में गया और जो मुझे पसंद आया वो ये रीज़न है, क्योंकि इसका है ना, देखिए एक तो स्टेम काफ़ी मोटा है, ऊपर से इसमें मल्टी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो अगर मान लीजिए इसमें फ्रूटिंग होती है तो मेरे पास रुद्राक्ष आने के काफ़ी चांस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें खूब सारी ब्रांचेस हैं। और जो दूसरा रुद्राक्ष है इसकी भी इस टाइम काफ़ी स्ट्रांग है, और इसमें भी दो ब्रांचेस निकल रही हैं। बाकी जितने भी प्लांट थे ना, उसमें एक एक स्टेम निकल रही थी सीधी सीधी, क्योंकि मोस्टली एयर लेयरिंग से तैयार होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा रुद्राक्ष का पेड़ है, उसी से लोग एयर लेयरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये मेरी जो शॉपिंग है वो टोटल ये वाली शॉपिंग है, इसके अलावा वैसे बहुत सारे प्लांट हैं, पर स्पेस की कमी बहुत है ना, तो इसलिए नहीं ले सकते। तो और मुझे वहाँ पर एक मेहमान भी मिला, ये देखिए ये स्नेल मुझे वहाँ मिला, वहाँ पर ये स्नेल है ना कॉमन है, मैंने इसको ये बनाना दिया था कल, इसने बनाना खाया है काफ़ी, और अभी भी इसमें देखिए मूवमेंट वगैरह पूरी है, ये काफ़ी बड़ा है, ये अब मेरे हाथ देखिए मेरी उंगलियों के बराबर है, ये देखिए मेरी उंगलियों के बराबर है, कितना बड़ा है ये देखिए, मेरी पूरी उंगली के बराबर है, इतना बड़ा स्नेल है। और मैंने इसको अभी कल लेके आया था, मैंने कल शॉपिंग करी थी, तो कल मैंने दूसरे पॉट में रखा था इसको, और ये मतलब ये देखिए इस वाले पॉट में था, इस वाले पॉट में था, और मुझे मिला ये इस वे यहाँ पर नीचे इस वाली घास में, यानी कि इसने इतना डिस्टेंस पता पूरे दिन में कवर करके यहाँ पहुँच गया। मैंने फिर से उठा के इसे बनाना के पास रखा है, क्योंकि मैंने आज इसके पे थोड़ी बहुत स्टडी भी करी थी, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, तो मुझे पता चला ये रोटी वगैरह सब खा लेते हैं, बस इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो हो सकता है शायद मैं इसको छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारे लिए इससे डिजीज़ हो सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।